दोस्तों ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक। अगर आपके पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आज हम बताएंगे स्प्लेंडर प्लस बाइक का एवरेज कैसे बढ़ाया जाता है और किस तरीके से बढ़ता है। तो ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है, अगर आपके पास स्प्लेंडर बाइक है तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आज आपको सिखाएंगे किस तरीके से एवरेज बढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, ये होता है कार्बेटर और इस कार्बेटर में दो स्क्रू होते हैं। इन्हीं स्क्रू से दोस्तों एवरेज सेट किया जाता है और इन्हीं दोनों स्क्रू से एवरेज बढ़ाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सही तरीका पता लगने वाला है बाइक का एवरेज किस तरीके से बढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए, अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से आपको एवरेज बढ़ाना है। तो ये कार्बेटर है, तो पहला स्क्रू है इसे बोलते हैं आरपीएम स्क्रू, इससे बाइक की रेस कम ज्यादा होती है। और ये दूसरा वाला स्क्रू है इसे बोलते हैं एयरफुल मिक्सर, और इसी दोस्तों स्क्रू से एवरेज सेट होता है और इसी से एवरेज बढ़ाया जाता है। दोस्तों दो तरीके होते हैं, बढ़ाना अलग होता है और सेट करना अलग होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एवरेज सेट करना नहीं बताएंगे, एवरेज किस तरीके से बढ़ाया जाता है वो बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं किस तरीके से एवरेज बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप लोग दो चीजें चेक कीजिए। सबसे पहले आप लोग बाइक का स्पार्क प्लग चेक कीजिए। अगर बाइक का स्पार्क प्लग काला निकलता है तभी आप लोग एवरेज बढ़ाएं। अगर प्लग सही निकलता है, सफेद निकलता है, तो आप लोग एवरेज बिल्कुल भी ना छेड़ें। और एवरेज बढ़ाने से पहले आपको इंजन थोड़ा गर्म करना होगा। इंजन को आप लोग गर्म कर लें, इंजन गर्म करने के बाद तभी आप लोग एवरेज को बढ़ाएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से बढ़ाया जाता है। चलिए फटाफट से बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आपको बढ़ाना है। तो चलिए बाइक की चाबी ऑन करते हैं और लगाते हैं सेल्फ। तो देखिए दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी रेस बढ़ा लेनी है। ये आरपीएम स्क्रू है, इससे थोड़ी सी रेस बढ़ा लें जिससे कि बाइक बंद ना हो पाए। तो आप लोग देख लिए मैंने थोड़ी सी रेस बढ़ा ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे नोटिस करना है। देखिए जब दोस्तों सेट करना होता है तो इस वाले स्क्रू को पूरा टाइट करना होता है, तब दोस्तों सेट किया जाता है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, एवरेज को बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, ये एयरफुल मिक्सर है इसे हम लूज करेंगे। ये दोस्तों एयरफुल मिक्सर है इसे हम लूज करेंगे। और दोस्तों क्या देखना है, बाइक की रेस अभी जितनी है अगर इससे ज्यादा होती है तो दोस्तों एवरेज बढ़ेगा, अगर इससे ज्यादा नहीं होती है तो एवरेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग नोटिस कीजिए, जितनी अभी रेस है अगर इससे ज्यादा रेस होती है तो समझो एवरेज बाइक का बढ़ रहा है। तो देखिए हम इसे लूज करते हैं, इस स्क्रू को खोलते हैं धीरे धीरे, और जहां पर रेस सबसे ज्यादा हो जाएगी इस वाले स्क्रू को वहीं छोड़ देंगे, उसके बाद आरपीएम को कम कर लेंगे। तो आप लोग नोटिस कीजिए बाइक की सबसे ज्यादा रेस कहां पर हो रही है। तो चलिए हम लूज करते हैं इसे, आप लोग नोटिस करना दोस्तों। तो देखिए बाइक की रेस धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी इसका एवरेज बढ़ रहा है। आपको ध्यान देना है इस वाले स्क्रू को धीरे धीरे लूज करना है। तो दोस्तों अब बिल्कुल भी नई रेस बढ़ रही है, चलिए थोड़ा और लूज करते हैं। दोस्तों अब लूज करने पर धीरे धीरे रेस डाउन हो रही है, तो हम थोड़ा टाइट करते हैं, उसी जगह पे पहुंचाते हैं इसे जहां पर रेस बढ़ी थी। तो दोस्तों आप लोग देखिए इसी जगह पर इसकी ज्यादा रेस हो रही है, तो क्या करेंगे, एयरफोन मिक्सर को यहीं भी छोड़ देंगे, उसके बाद आरपीएम को कम कर लेंगे, बाइक की जो रेस होती है उसे कम कर लेंगे। तो देखिए एवरेज बढ़ चुका है। तो चलिए अब बाइक की रेस हम कम करते हैं। अब हम दोस्तों बाइक की रेस स्लो कर लेंगे जिससे कि बाइक बंद ना हो पाए। तो देखिए दोस्तों मैंने बाइक की रेस स्लो कर ली है। चलिए बाइक को हम एक बार बंद करते हैं और आपको एक बार दोबारा समझाते हैं किस तरीके से एवरेज बढ़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास स्प्लेंडर बाइक है या एचएफ डीलक्स बाइक है या पैशन प्रो बाइक है, सुपर स्प्लेंडर बाइक है, हीरो की कोई सी बाइक है या बजाज की कोई सी बाइक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी सी रेस बढ़ा देना है, और उसके बाद ये एयरफुल मिक्सर है इसे टाइट नहीं करना है आपको, इसे लूज करना है। और ये नोटिस करना है बाइक की रेस जितनी आपने बढ़ाई थी उससे अगर ज्यादा होती है तो समझो बाइक का एवरेज बढ़ेगा, और उससे ज्यादा नहीं होती है तो समझो बाइक का एवरेज नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग देखिए इस बाइक का एवरेज बढ़ चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने जितनी भी रेस बढ़ाई थी और उससे ज्यादा दोस्तों इस वाले स्क्रू को लूज करने पर होगी। तो यानी कि दोस्तों इस बाइक का एवरेज बढ़ चुका है। इस तरीके से बढ़ाते हैं एवरेज, और सेट करना अलग होता है, सेट करने का प्रोसेस अलग होता है और बढ़ाने का प्रोसेस अलग होता है। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एवरेज बढ़ाना आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।